ये देखो भाई, इतना पानी गिरा था ना गाइस, तो लॉफ्ट में नीचे से पानी आया है, पूरा दिख रहा है भाई। तो यार यहाँ से टपकता है ये। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? आई होप कि भाई आप सभी भाई ठीक होगे और खैरियत से होगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में, ये मतलब आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको 3 से 4 गुड न्यूज़ दूंगा, जैसे कि भाई मैं आपको 3 अपने नए पेयर सेट करके बताऊंगा जो कि भाई मुझे सेट करना है, और अभी तक भाई वो सेट नहीं करे हैं, वो अभी पेयर भी नहीं है। तो आप लोग देखोगे भाई काफ़ी अलग चीज़, और उसके बाद एक गुड न्यूज़ भी है, और गाइस दो बैड न्यूज़ है ना, जैसे कि भाई एक मेरा ग्रे बाल थी उसका अंडा वो ख़राब हो चुका है, और जो सेंटीनेट थे मैं काफ़ी दिन से कह रहा था भाई अब तक तो अंडा फूट जाना चाहिए, तो गाइस वो भी भाई उनका ख़राब हो चुका है। तो और आज की इस वीडियो में गाइस काफ़ी मज़ा आएगा, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। और भाई देख सकते हो आज ये सूखा हुआ है, आपने मेरी यार यूट्यूब की स्टोरी देखी होगी जब मैंने स्टोरी डाली थी, पूरे में पानी भरा हुआ था, और इसका मैंने एक व्लॉग भी डाला है। अगर आप लोग भाई व्लॉगिंग चैनल देखते हो और नहीं देखा, मतलब अगर आप लोग नहीं देखते और अभी तक व्लॉग भी नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, तो आप लोग जाकर भाई व्लॉग भी देख सकते हो। पूरे घर में पानी था, अंदर भी पानी था, सब जगह पानी पानी था, आप लोग को देख लेना। और सबसे पहले गाइस मैं आपको पेयर्स बताता हूँ जो नए पेयर में लगाऊंगा, ताकि आपको मजा आए। अभी नहीं खोल रहा है, अभी क्या है वो भाग गए ना, फिर अपन पेयर नहीं बता पाई। सबसे पहले वो बताओ जो अपन लास्ट वीडियो में जो पिंक फीमेल लाया था ना सिल्वर से लगाने को, उसका पेयर लग ही गया है, लगाना ही नहीं पड़ा। नहीं तो एक साथ रख के बताते हैं ना अपन, दिखाओ निकाल के बता दो आप भाई। सबसे भाई मैं आपको 3 मतलब नए जोड़े बताऊंगा जो कि लगने वाले हैं और लग चुके हैं। फ्लेट जला के बता, खुद ही लग गई कि? तो गाइस सबसे पहले भाई मैं आपको ये वाला पेयर बताता हूँ जो कि भाई लग चुका है, देख सकते हो। ये जो फीमेल थी यार, इसको मुझे जोड़ पे डालने ही नहीं पड़ा। हुआ क्या कि मैं 2-3 दिन, आपको पता ही है भाई, बारिश में अंदर ही दाना पानी कर रहे थे, आप लोग देख ही सकते हो। तो हुआ क्या यार, इनने क्या किया, ये खुद ही पहले तो 2-1 दिन इस पर बैठी नहीं, और फिर भाई सिल्वर जब गुटके तो वो खुद ही अंदर जाकर बैठ गए। फिर भी गाइस देख सकते हो भाई कितना बेहतरीन पेयर लग रहा है। मैं एक बार इनको रख के भी बताता हूँ बाहर, जैसे कि पहले सिल्वर मेल पकड़ना, और ये रही भाई फीमेल। तो मैं यार रख के बताऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगी, इससे समझ नहीं आती। ये देखो गेट लगा देना मेल। तो गाइस भाई गेट लगा दिया है, और सबसे पहले भाई आप लोग देखो प्योर सिल्वर अपना जो मेल है, बहुत प्यारी मार्किंग में, और उससे भाई और अच्छी क्वालिटी की अपन ने फीमेल लगा दी है, दोनों बार में है। अब भाई इनकी जो भाई जोड़ बनेगी ये नहीं हटाई जाएगी, बस ये ऊपर ना चला यार। ये देखो भाई, है ना भाई, बहुत बेहतरीन चीज़। और भाई जोड़ भी लग चुकी है, और बहुत प्यारी ब्रीडर भी है फीमेल। तो भाई बस अब इनके एक बार अंडे रखवा दे, देख सकते हो कलर वगैरह उसका कितना बेहतरीन है, और सीना वगैरह देख सकते हो। ये मेल देख लो भाई आप लोग, तो ये तो भाई अपने इसको तो मैं दिखाता ही रहता हूँ। तो गाइस ये वो पेयर है जो कि मैंने लगाया है, मतलब खुद ही लग गया लेकिन मैं लगाने को लाया था। तो भाई ये था अपना पहला पेयर, अब आपको मैं दिखाता हूँ अपना दूसरा पेयर जो कि मैं लगाऊँगा, अभी लगाया नहीं है। वो ब्लैक वाला मुखी वाला तो दिखाओ, हाँ जब ही तो मज़ा आएगा। तो गाइस भाई से बोल दिया है, वो अब आपको एक और चीज़ ला के दिखा रहा है जो कि अभी तक भाई पेयर नहीं लगाया है, लेकिन मैं लगाऊंगा और फिर आपको भाई आएगा मज़ा कि भाई आप भी बोलोगे कि हाँ भाई सौरभ आपने कर लिए सेम जोड़। अब सिल्वर मादी तो यार प्रकाश भाई पे खुद नहीं है, तो वो कहाँ से अपन को दे देते। वो पिंक इससे पहले लगी थी, वो इसी की बच्ची थी, लेकिन अब अपन ने उसी की माँ लगा दी है। और गाइस से पहले तो मैं ये कर दूँ बंद, और गाइस ये तो भाई पुराने हैं जैसे कि आपको पता ही है। इसकी फीमेल, हाँ इसकी ये कहानी भी तो है, इससे जो लखा लगी थी काफ़ी भाई बोल रहे थे भाई सेल मत करना, तो मैंने क्या किया गाइस, मेरे एक भाई हैं जिनको मैंने वो सिल्वर और पिंक था है ना वो वाली जोड़ दी थी, तो मैंने कहा भाई आप रख लो ब्रीड ले लेना, जब मेरा बड़ा लॉफ्ट होगा तो मैं एक सादी जोड़ रखूँगा, तो मैं लखा वापस मंगवा लूँगा। वो जब भी होगा ना, जब आपको पक्का देखने को मिलेगी लखा वापस जब भी कभी आएगी। तो गाइस ये है होगा अपना ब्लैक मुखी का पेयर, इनको भी छोड़ दो भाई। तो गाइस ये भाई फीमेल खुद ही जा रही है भाई मेल के पास, तो देख सकते हो, और क्वालिटी भी अब काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि फीमेल की मेल की थोड़ी कम क्वालिटी थी, उस मेल की भाई बहुत हाई क्वालिटी है कांटे में, और फीमेल की भी अच्छी क्वालिटी है। तो भाई अब अपन पे ब्लैक बहुत प्यारी, मतलब बहुत प्यारे मुखी हो जाएंगे। इसका एक पर भी वाइट है, और क्वालिटी ये है कि इसका एक पर भी भाई वाइट है, तो भाई बहुत मज़ा आएगा। इनको उड़ा देता हूँ मैं, ये देखो भाई ये तो घर के हिले हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस अब आपको मैं बताऊंगा भाई थर्ड पेयर जो कि लगाऊंगा, वो भी नहीं लगाया अभी तक, तो गाइस देखना अभी आप लोग। तो गाइस एक बार माशाल्लाह ज़रूर बोल देना, जैसे कि भाई आपने 1 या 2 वीडियो पहले देखा ही था कि भाई मैं प्रकाश भाई से ब्लैक लाहौरी मेल लेके आया था,
तो अब वो मैं क्यों लाया था, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्यों लाया था। ये देखो भाई, ये बनेगी चीज। अब जरा इसकी भाई आंखों के डोरे आपको मैंने नर के दिखाए थे, फीमेल के भी डोरे हैं। मार्किंग और कटिंग वगैरह देखो गाइस, और कलर देखो बिल्कुल जो जेट ब्लैक कलर होता है दोनों में वो है। तो देख सकते हो यार कितनी बेहतरीन आने वाली टाइम में जोड़ लगने वाली है। और ये इसके पर नहीं बांधे तो अभी ये थोड़ा बहुत तोड़ भी लेता है फीमेल, बस ये तो भगेगी, मुझे पता ही था ये भगे आएगी। इसको भी ऊपर कर दूं, ये देखो भाई। तो भाई ये रहेंगी अपनी तीन बड़ी जोड़े जो कि मैं लगाऊंगा ब्रीडिंग के लिए, और सर्दियों में भाई इनसे ब्रीड लूंगा। तो चलिए आप सभी कबूतरों को भाई खोल लेते हैं। आओ 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 आओ, और मैं भाई आता हूँ चाय पीकर। भाई देख सकते हो यार सभी कबूतर आ चुके हैं बाहर, और ये रहे भाई अपने मुखी कबूतर जो कि भाई फीमेल भी अब आ चुकी है अपने पुराने अंदाज में, मतलब जिसके लिए पहचानी जाती है, देख सकते हो कांटा। और भाई से बोल दिया है भाई दाना डाल दे। और जो मैं मामा से जो गाइस दो पट्टे लेकर आया था वो मैं भी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि भाई एक ये पट्टा है और एक ये ब्लैक वाला है। तो इस वाले का साइज़ यार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो ब्लू बार टाइप में था ये देख सकते हो भाई आप, इसका सीना वगैरह भी और वज़न मतलब वेट भी काफ़ी बढ़ रहा है भाई। मैंने इसको पकड़ के देखा था, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये ब्लैक है और ये ब्लू बार है। तो गाइस ये अभी तक भाई सेल भी नहीं हुआ, मुझे सेल करना था। मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, घर पे रखते हैं, और घर पे भाई काफ़ी तेज़ी से साइज़ पकड़ रहे हैं। और भाई से बोल दिया है दाना ले आए। और गाइस मैं नई फीड भी लेके आया था, तो मैं यार अभी आपको बता नहीं पाया, तो मैं अभी शायद आपको भाई बता देता हूँ। मैं चार या पाँच चीज़ें लाए हैं ना नई फीड में, जैसे कि भाई देख सकते हो ये रही अपनी भाई नई फीड। तो इसके अंदर गाइस सबसे पहले तो भाई गेहूँ की क्वान्टिटी ज़्यादा रखना है, क्योंकि यार पेट ज़्यादातर गेहूं से भरता है। उसके बाद भाई इसमें अपन ने ये रखी है, इसको क्या कहते हैं, मक्का है ना। और उसके बाद गाइस थोड़ी सी क्वांटिटी मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में बाजरा है, नीचे जा चुकी है। और थोड़ी बहुत भाई इसमें ज्वार है, ज़्यादा ज्वार नहीं है, कम ही ज्वार ली है, देख सकते हो भाई आप लोग। तो भाई अब क्या है, थोड़ा सा बारिश है, इसके बाद सर्दियाँ आएंगी, तो बाजरा की क्वांटिटी अपन और बढ़ा देंगे, और उसके साथ भाई राई भी ऐड कर देंगे। अभी अपन को नॉर्मल इनको बस खाना खिलाने के हिसाब से भाई ये सब चीज़ें इनके लिए भाई बहुत हैं। और देख सकते हो यार अभी तो इतना है अपने पास, यही कलेक्शन है। और काफ़ी आई कह रहा है यार उस फेंटेल के लिए फीमेल लाओ, तो भाई मैं कह तो रहा हूँ आप थोड़ा और तो उसको बड़ा हो जाने, तो जब कंफर्म हो जाएगा कि भाई पक्का ना रहे, अब इसको भाई फीमेल चाहिए, जब अपन इसको अच्छी सी फीमेल ला के देंगे। और इनका यार इनका जो अंडा था ना वो ख़राब हो गया, मैं काफ़ी टाइम से वेट में था, मतलब इसको मैं लाया था दिसंबर या जनवरी में, और आज तक यार मैं इससे अंडे मतलब लिए हैं, एक बार बच्चा भी लिया है फुल वाइट था तो, लेकिन यार मैं सेम वे से बच्चे नहीं ले पाया उससे आज तक। और ये आ चुके हैं भाई अपने ग्रेवार पट्टे, इनका आज तक कंफर्म नहीं हुआ ये भी कि भाई मेल बने या फीमेल बने, इनका पता चले। अगर ये फीमेल बन गई ना तो सोच रहा था मैं इससे लगा दूं, या प्रकाश भाई पे ऐसा सेम हो तो वो लाके लगा दूं, ये उनको दे दूं, लेकिन अभी उसका कोई कंफर्म नहीं है। और अपना रेड पट्टे का तो कंफर्म हो चुका है। चलो यार मैं अभी आपको एक सरप्राइज देता हूँ, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे यार अंदर की लॉफ्ट की लाइट तो जला दो, लॉफ्ट की लाइट जला के आना यार, थोड़ा भी क्लियर दिख नहीं रहा। तो गाइस भाई आप लोग तो यार समझ ही गए होगे, जो लोग वीडियो देखते हो इतना बड़ा क्या सरप्राइज हो सकता है। सबसे पहले पिंक को बाहर निकाल दूं, चलो बेटा। तो गाइस ये रहा भाई अपना सरप्राइज, जो कि क्लियर देख सकते हो माशाल्लाह भाई कितना बड़ा अंडा है, जो कि भाई मेरे फेंटेल कबूतर ने शायद कल पानी भरा था घर में, हाँ 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 कल ही दिया था, मैंने स्टोरी डाली थी, वो वीडियो ब्लॉग वालों ने तो भाई देख भी लिया होगा, थोड़ा सा दिखाया था उसमें, शायद ये दिख भी रहा था। तो गाइस ये था भाई वो सरप्राइज जो कि भाई आपको देना था, कि यार अपने फेंटेल पिजन ने माशाल्लाह से अंडा दे दिया है, अभी कुछ ही टाइम हुआ है लाए हुए, और इनकी पेटी भी बनाई थी, सब कुछ की वीडियो डाली है, लाया तब बनाई, पेटी बनाई उसकी भी वीडियो बनाई, और मैंने कटोरा रखा था मैं बताया था, और उसके बाद गाइस इन्हें अंडा दे दिया है माशाल्लाह से। अब देखते हैं भाई ये दूसरा अंडा देते हैं नहीं देते। और ऊपर की पेटियां हटा दी हैं क्योंकि सेल वाले कबूतर सेल भी हो चुके हैं, वो सिल्वर पिंक थे भाई वो सेल हो चुके हैं, और मैंने एक फीमेल जो रेड लाया था वो भी दे दी थी, और अपनी लक्का भी भाई वो मेरे पहचान के हैं तो मैंने गाइस उनके पास रखवा दी थी। और इसमें भाई मुखी रहना है, तो दूसरी ब्लैक मुखी की जोड़ इसमें हो जाएगी, इसमें किसी में भी। और भाई एक चीज़ लॉस हुई है, एक तो सेंटीनेट का भी अंडा ख़राब हुआ है, जो कि भाई काफ़ी बुरा लगा था यार मुझे कि यार सेंटीनेट का अंडा ख़राब हो गया, वो काफ़ी दिन से बैठे थे। देखो हुआ क्या, इतना पानी गिरा था ना गाइस, तो लॉफ्ट में नीचे से पानी आया है पूरा, दिख रहा है भाई, तो यार यहाँ से टपकता है ये देखो ये यहाँ से यार पानी टपकता है, और भाई पूरी पेटी ये वाली और ये वाली पेटी ख़राब कर दी, ये तो दिख रही होगी। ये मैंने क्या किया, यहाँ वाली पेटी इधर रख दी, और इस पे जो पेटी थी भाई मैंने तो फेंक दी, मैंने कहा चलो अब तो नई पेटियाँ लानी है, तो ये वाली पेटी इस पे रख दी और इसको बंद कर दिया, ताकि यार इसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, कोई और कबूतर ना घुसे, मुझे नया कबूतर भी लाना है। वो पेटी भी अभी तक खाली है,
उसमें भी भाई कुछ सरप्राइज ही ला के दूंगा आपको, ऐसा नहीं है वो अभी तक खाली रखी है। मुझे भी उसमें कुछ लाना है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें ला रहा हूँ कि भाई मुझे फिर वो हटाना ना पड़े। और ये रेड मेल भाई अभी तक सेल नहीं हुआ है यार, जैसे ही ये सेल हो जाएगा मैं उस वाले ब्लैक को इस ब्लैक से लगाऊंगा, और एक दो महीना लगेगा। मुझे लग रहा भाई सर्दियाँ ही आ जाएंगी जब ये इन लोगों की ब्रीडिंग स्टार्ट होगी, बहुत बेहतरीन। और बाकी देख सकते हो यार सभी कबूतर अच्छे से दाना खा रहे हैं माशाल्लाह से। और सेम जोड़े बनाना थी भाई, ब्लू बार की सेम बना थी, ब्लैक की बना देंगे, ब्लैक मुखी की बना देंगे अपन। और इसकी तो सिल्वर की तो बनेगी नहीं, ग्रे बार की भी अभी नहीं बन सकती। सेम फीमेल बनना बहुत ही मुश्किल है, मतलब भाई कहीं मिलती नहीं यार सेम। आप ग्रे बार की फीमेल लेने जाओगे नॉर्मल, कहीं बोलोगे भाई ग्रे बार फीमेल ले दो, पहली बात कोई इतनी अच्छी क्वालिटी में देगा नहीं, और ऐसी क्वालिटी में होगा तो यार वो बोलेंगे भाई 4-5 हज़ार रुपये की ये सिंगल फीमेल है। तो मुझे पता है भाई, तो बस यही बताना था और गुड न्यूज़ देना थी, मैंने दे दी है आपको। तो गाइस आज की इस वीडियो में तो भाई बस इतना ही, मैंने जो कुछ था आपको जल्दी जल्दी में, बहुत जल्दी में मैंने बोल दिया शायद, तो मैंने गाइस सभी कुछ आपको बता दिया है, कुछ भी चीज़ नहीं बची। मतलब लॉफ्ट की भी पूरी अपडेट दे दी, जो जोड़ लगाऊंगा वो भी आपको बता दिया है। और ये देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है मेरे साथ, ये मेरा ब्लू बार, ये देखो भाई। तो आई होप कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट कबूतर देखते हैं भाई, भाई भी कह रहा है कि यार कबूतर कम हो गए हैं, बस थोड़ी सी बारिश और कम हो जाए कि यार भाई हम कुछ फिर से अच्छी सी कोई सी चीज़ लेके आए। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको छेड़ दूँ, उड़ जा।